कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि जो अपने मंत्री और विधायकों का भरोसा नहीं रख पाए वो अब जनता का भरोसा जीतने निकले हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता उनकी लूटपाट और झूठे वादे देख चुकी है, इसलिए अब वो उनके झांसे में आने वाली नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ग्वालियर प्रवास के दौरान पत्रकार वार्ता में भाजपा पर नोटों के दम पर सरकार बनाने का आरोप लगाया तथा ग्वालियर के विकास को लेकर सीधे तौर पर सिंधिया को कटघरे में खड़ा करते हुए जवाब मांगा। मंत्री कमल पटेल ने जवाबी हमला करते हुए कहा कि 10 साल दिग्विजय से हैं और 15 महीने खुद कमलनाथ मुख्यमंत्री रहे और हिसाब ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग रहे हैं। कमल पटेल ने कहा दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में प्रदेश बदहाल हो गया था। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में राज्य पिछड़ गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 साल में प्रदेश को बीमारू राज्य से समृद्ध राज्य बना दिया। पहले जहां बिजली उत्पादन 2990 मेगावाट था जिसे बढ़ाकर 18,000 मेगावाट से अधिक कर दिया और राज्य को बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया। वहीं सिंचाई के मामले में जहां पहले 7.50 लाख हेक्टेयर की क्षमता थी ये बढ़ाकर 42 लाख हेक्टेयर से अधिक कर दी। 50 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का अभी और विस्तार किया जाएगा। कमल पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर गरीब नागरिक की चिंता की और उनके लिए संबल योजना शुरू की। जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्हें आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन 15 महीने के कमलनाथ के कार्यकाल में सभी योजनाएं बंद कर दी गई। कन्या विवाह योजना, पेंशन संबल योजना बंद कर कमलनाथ खाली खजाने का रोना रोते रहे। उन्होंने कहा जब खजाना खाली था आईफा अवार्ड के लिए 700 करोड़ कहाँ से आ गए। कमलनाथ समय का रोना रोते रहते थे, लेकिन हीरोइन के साथ फोटो खिंचवाने के समय कहाँ से मिल गया। कमल पटेल ने कहा कि कमलनाथ ने महिलाओं, युवाओं, किसानों के साथ धोखा किया, उनसे किया गया कोई वादा पूरा नहीं किया, इसलिए जो निष्ठावान और कर्मठ कांग्रेस नेता हैं और विधायक थे वो वादा खिलाफी से नाराज हो गए, इसलिए वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार हुए। कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपने मंत्री और विधायकों का विश्वास कायम नहीं रख पाए वो जनता का विश्वास जीतने निकले हैं, लेकिन वो कुछ भी कर ले प्रदेश की जनता उपचुनाव में उनके झांसे में नहीं आने वाली। मंत्री कमल पटेल ने हैरानी जताते हुए कहा कि कोई वादा पूरा नहीं करने के बावजूद झूठे बैनर लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं, उन्हें इस बात पर कोई शर्म ही नहीं आती, मगर उनका झूठ अब नहीं चलेगा। उपचुनाव की सभी सीटें भाजपा की होंगी। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों ने प्रदेश को लूटा है और इसलिए अब जनता तुम पे कभी भरोसा करने वाली नहीं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी तुम पे भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए उपचुनाव में तुम कितने हाथ पैर मारो, 27 की 27 विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए सत्ता परिवर्तन करके उन्हें व्यवस्था परिवर्तन किया, जनधन खाते खुलवाए और इसे सीधे खातों में पैसे जा रहे हैं, 1 रुपया भी कहीं गड़बड़ नहीं हो रही है। उन्हें तो राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे, वो कहते थे, वो रोते रहते थे, मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूँ, गांव में आते आते 15 पैसे रहते हैं, 10-85 पैसे दलाल खजाते हैं। दलाल कौन थे? तुम्हारे जैसे लोग थे कांग्रेस के। उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब पैसा लेकर प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, दलाल कांग्रेस के हुए, और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, गरीबों का शोषण करने वाली कांग्रेस है, दलाली करने वाली कांग्रेस है, और इसलिए अब कांग्रेस मुक्त भारत हुआ है और कमल खिला है। कमल खुशहाली, समृद्धि और विकास का प्रतीक है। आप जानते हो कमल कीचड़ में खिलता लेकिन उस पर एक भी दाग नहीं लगता है, इसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री कमल के फूल हैं, वो खिले हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन पर एक दाग नहीं लगा सकता कोई, और इसलिए देश आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है और जनता का दिल और विश्वास हमने जीता है, और इसलिए दोबारा चुनाव भी वो जीते हैं और मध्य प्रदेश में फिर से हमारी सरकार आई है और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हम कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा, आपने 15 महीने में सारे विकास कार्य रोक दिए थे, एक ही रोना रोते थे रोज, पैसे नहीं है, खाली खजाना।